हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज जो है मैं इलेक्ट्रिक सामान की जो है न्यू इलेक्ट्रिक शॉप खोलने के लिए सामान की पूरी लिस्ट मैं बताने वाला था, जबकि इसके पहले मैंने पार्ट वन रिलीज़ किया, पार्ट टू रिलीज़ किया, पार्ट थ्री रिलीज़ किया। लेकिन आज की वीडियो में मैं पूरा जो है सामान का लिस्ट ही बनाने वाला था, लेकिन शॉप पर जब से मैं आया हूँ तब से हालात ऐसे बने हुए हैं कि मैं वीडियो कब से बनाने के लिए सोच रहा हूँ लेकिन नहीं बना पा रहा हूँ। मतलब हालात यह है कि मुझे पूरे सामान अंदर रखवाना पड़ा। आप अभी देख सकते हैं कि मेरे पीछे वगैरह ये सारे जो फैन वगैरह जो भी रखा जाता था वो रख गया, ये पाइप वगैरह सब जो है आ गई है। मतलब आप देख सकते हैं कहीं भी आपको जगह नहीं शॉप में दिखेगी। जहाँ मैं बैठा हूँ इसके आगे भी आप देख सकते हैं, काउंटर पर भी जहाँ सामान रख के मैं आप लोगों को दिखाता था इसको भी सारा बोर्ड जो रखा जा चुका है, ये सारे बोर्ड जो रखे हुए हैं यहाँ पर। तो अभी मैं आपको अपने दुकान का सिस्टम दिखा दिया कि मतलब सारा सामान अंदर रख चुका हूँ। तो सबसे मेन कारण तो जो है मैं आपको बताना भूल गया, पहले वो मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर बाकी जो है मैं आपको बताता हूँ कि क्या कारण है कि आप लोगों को आज जो है मैं सामान की लिस्ट के बारे में नहीं बता रहा हूँ। तो दोस्तों, अभी आप ये देख सकते हैं सामने जो बल्ब जो है जल रहा, उस बल्ब पे काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा तादाद में जो है कीट पतंगे आपको दिख रही हैं, जिसकी वजह से काफ़ी मतलब हम लोग डिस्टर्ब हैं। जहाँ मैं बैठा हूँ यहाँ भी एक एक दो दो जो है ज़रूर गिर रही हैं। और यहाँ से मैं थोड़ा सा और आगे मोबाइल को करता हूँ और दिखाता हूँ आपको। यहाँ ये आप देख सकते हैं दीवार से लेके जो है जो छत में होल्डर लगा है उस पर कितने बल्ब हैं, उसके अलावा जो छत पे जो है कितने जो है आपको कीट पतंगे दिख रहे होंगे। तो ये तो आपने देखा जो है कीट पतंगे का हमला जो किसी तरह से जो है इस टाइम है। तो यही एक कारण है कि आज जो है मैं आप लोगों को सामान की लिस्ट नहीं बना के दे पा रहा हूँ। दोस्तों, आप लोगों ने देखा जो है किस तरह से जो है कीट पतंगों का इस टाइम आतंक है, और कहीं ना कहीं आपके जो है सामान की लिस्ट आज न मिलने का जो है यही कारण है। मैं जब से आया हूँ तब से इन सभी से परेशान हूँ। दुकान की सारी लाइटें ऑफ है, जो बाहर लाइटें जल रही उस पर मैं दिखाया किस तरह से जो है कीट पतंगे वहाँ पर हमला की हुई हैं, मतलब किस तरह से बहुत ज़्यादा तादाद में है, और अगल बगल में जितने बल्ब चालू सब पे वही हाल है। तो यही कारण रहा कि अंदर का बल्ब मैं चालू नहीं कर सकता। जब अंदर का बल्ब चालू नहीं करूँगा तो आप लोगों को क्लियर दिखा नहीं पाऊँगा साफ। तो यही वजह रही कि मैं सारा सामान जो है अंदर रखवा दिया, और अभी तो मैं सामान दिखाई दिया हूँ कि सारा कुछ अंदर ही है। और जब सारा कुछ अंदर आ गया तो मैं अगर सामान आपको जो निकालूंगा तो रखूँगा कहाँ उसको दिखाने के लिए, और फिर अंधेरे में आपको पता भी नहीं चलेगा। लाइट जलाऊंगा तो लाइट की वजह से जो है कीट पतंग इतने ज़्यादा आ जाएंगे कि मैं वीडियो ही नहीं बना पाऊँगा। तो इसकी एक जिम्मेदारी ये भी है, मेरी कोई गलती नहीं। मैं आज सोचा था कि आप लोगों को जो है सामान की पूरी लिस्ट बता दूँ, क्योंकि हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर जो शॉप मतलब जल्द से जल्द ओपन करना चाह रहे हैं और उनके पास सामान की लिस्ट नहीं है कि वो क्या लें और किस चीज़ को क्या बोला जाता है और कितने क्वान्टिटी में लें, तो उनकी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस वजह से मैं चाह रहा था कि उनकी जो है मेरे द्वारा हेल्प हो जाए और वो अपनी शॉप जल्द से जल्द ओपन कर लें। तो दोस्तों, इसके पहले मैं तमाम वीडियो बनाया जिसमें जो है इलेक्ट्रिक सामान की लिस्ट पार्ट वन, उसके बाद पार्ट टू, पार्ट थ्री, ये सारा मैं बनाया। तो इस वीडियो में उस अगर आप वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है मैं उनका लिंक भी दे दूंगा, वहाँ से जाके पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री आप देख भी लीजिएगा। और उसके बाद पार्ट फोर में जो है मैं कोशिश करूँगा कि इलेक्ट्रिक शॉप में जो भी सामान छूटे हुए हैं और जितने भी सामान छूटे हुए भले ही वीडियो एक से दो घंटे की हो जाए या तीन घंटे की हो जाए या आधे घंटे बने, मतलब आपको सारे सामान की लिस्ट जो है मैं बता दूँगा। अगर मुझे इस तरह से बोलना रहता तो मैं मुश्किल से जो है 20 मिनट में सारे सामान का नाम बोल देता, लेकिन उस तरह से आप समझ नहीं पाएंगे कि ये मैं अगर जो सामान के बारे में बता रहा हूँ वो सामान है क्या, किस तरह दिखता है, कहाँ यूज होता है। तो यही कारण है कि मैं आप लोगों को एक एक सामान दिखा कर उसका यूज कहाँ होता है सारा कुछ मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि आपको शॉप खोलने के बाद आपको प्रॉब्लम ना हो, कि आपके पास कस्टमर अगर आए वो इशारा भी करे कि मुझे ये सामान जो है मतलब चाहिए, मतलब यहाँ लगाया जाता है, तो आप उसको समझ जाएं कि उस चीज़ का नाम क्या है, उस चीज़ को आप निकाल के कस्टमर को दे दें। तो इससे आपको काफ़ी सुविधा मिल जाएगी जब उसको पहचानते रहेंगे, उसके बारे में आप जानते रहेंगे कि वो कहाँ यूज होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो जो है इतना ही, यहीं पे जो है मैं वीडियो को जो है समाप्त करूँगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
और घंटे वाले बटन को दबाना ना भूलें, क्योंकि इलेक्ट्रिक से रिलेटेड, गांव के ब्लॉक से रिलेटेड मैं तमाम वीडियो आप लोगों को बराबर देता रहूँगा। तो मिलते हैं फिर इलेक्ट्रिक सामान के पार्ट 4 के साथ जो है, कल देखते हैं कैसा माहौल रहता है, उस हिसाब से आपको बना के दे देंगे। चलिए, जय हिंद।